नमस्कार, मैं सरिता पारिक, बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज की व्याख्याता, आपका गुरु केपीओ में हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रस्तुत पद हरिवंश राय बच्चन की कविता पद की पहचान से लिया गया है। यह कविता एक प्रेरक कविता है। बच्चन जी ने नवयुवकों को शक्ति मंत्र देने के उद्देश्य से इस कविता का सृजन किया है। जीवन एक यात्रा है, मनुष्य इस जीवन यात्रा का पथिक है। मनुष्य को अपनी इस जीवन यात्रा में सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। विवेकपूर्ण निर्णय मनुष्य के जीवन को सफल व सार्थक बनाते हैं। इसी भाव से बच्चन जी ने कहा है कि पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले, हे राहगीर चलने से पूर्व अपने राह की पहचान कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे, ये भी अनिश्चित है कि हमें अपने जीवन यात्रा की राह में कहाँ नदी मिल जाए, कहाँ पहाड़ मिल जाए, कहाँ गुफाएं मिल जाए, यह अनिश्चित है। अर्थात हमारे जीवन में कई समस्याएं आ सकती है, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, यह भी अनिश्चित है कि हमारे जीवन में कब सुख आ जाए, कहाँ हमें बाग रूपी सुख वन मिल जाए। तो हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए, हमें सुख और दुख को समान देखना चाहिए। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित। यह भी अनिश्चित है कि हमारी जीवन रूपी यात्रा है यह कब खत्म हो जाए और कब हमारा जीवन समाप्त हो जाए। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, यह भी अनिश्चित है कि कब हमारे जीवन में समस्याएं आ जाए। कंटक सा मतलब है कि समस्याएं जीवन में हमारे दुख आ जाए, और कब हमारे जीवन में सुमन अर्थात पुष्प अर्थात सुख, हमें सुख की प्राप्ति हो। तो हमें इन सब से विचलित न होते हुए कौन सा ऐसा छूट जाएंगे मिलेंगे, कौन सा ऐसा। और यह भी अनिश्चित है कि इस जीवन रूपी यात्रा में हमें कौन सहसा अचानक हमें मिल जाए और कौन हमारे इस यात्रा से छूट जाए, हमसे पीछे छूट जाए। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आ कर ले, तुम्हारे जीवन में चाहे कुछ भी समस्याएं आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, लेकिन तुम यह दृढ़ निश्चय कर लो कि तुम अपने इस राह से में अडिग रहोगे और दृढ़ निश्चय होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहोगे। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, हे बटोही चलने से पूर्व अपने राह की पहचान कर लो, उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लो और उसके पश्चात ही अपनी राह पर चलो। अर्थात बच्चन जी अंत में ये कहते हैं कि हमें सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं लेना चाहिए, हमें उन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, तभी हम उनकी जीवन से प्रेरणा लेकर ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.gurukpo.com।